हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जेएम पटेल कॉलेज, भंडारा, महाराष्ट्र। नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। कितने प्यारे शब्द लगते हैं। इन शब्दों को हमने इस्तेमाल ही इसलिए करना है कि हमारी सारी समस्याओं को इन शब्दों के माध्यम से सुलझाया जा सके। पर यही शब्द जब हमें हमारी समस्याओं को सुलझाने के बजाय पूरे देश को उलझाए लगते हैं, तो हमें बोमन देसाई की बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल इस कहानी के बारे में हमें सोचना पड़ता है। द मेमोरीज ऑफ द एलिफेंट्स, इस नॉवेल से ली गई ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस मैनी सेंचुरीज ऑल टुगेदर। The India is the amalgamation of various culture altogether. जितने सादगी के साथ, जितने प्रेम और प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ ये दोनों कौमें और बहुत सारे religions एक साथ यहाँ पर रहते हैं, तो बात भारत की महानता की समझ में आती है। पर जरा सी गलतफहमी, जरा सी एक चिंगारी दोनों के इतने साल के प्यार को और प्रेम को कैसे झुलझा सकती है, और कितने सूझबूझ से हमें अपनी भूमिका लेनी चाहिए, इसी बात की तरफ इंगित करती हुई ये कहानी है बोमन देसाई की। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर भी करेगी कि हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो वो परिंदे अच्छे हैं जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। बोमन देसाई के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि मंदिर और मस्जिद के बीच में ये दूरियां क्यों, किस प्रकार की कठिनाइयां हैं जो मंदिर और मस्जिद के दरमियान दीवारें खड़ी कर देती है। कितना अच्छा होता कि मस्जिदों से आरतियों की आवाज़ आती, कितना बेहतर होता अगर मंदिरों से अजान सुनाई देता। दिवाली मस्जिदों में मनाई जाती और ईद की सवैया मंदिरों में बढ़ती, भारत सही मायने में विश्वगुरु के होने के कगार पर एकदम खड़ा हो जाता। बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल बाय बोमन देसाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू एंड पीपल जनरली रन अवे फ्रॉम डिस्कसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लोग ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने से कतराते हैं। पर बोमन देसाई, जिनका जन्म 1950 को हुआ बॉम्बे में, ही वेंट टू अमेरिका इन 1969 टू स्टडी आर्किटेक्चर एंड इलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट शिकागो, ही डिस्कसेस दिस इशू वेरी मच इन हिज नॉवेल विदाउट एनी हेजिटेशन। ही डिड हिज एमए इन इंग्लिश एंड ऑल्सो संग एंड रिकॉर्डेड विथ रॉक बैंड इन 1970 के दशक में बोमन देसाई ने रॉक बैंड के साथ रिकॉर्डिंग भी किया है। ऐसे वर्सेटाइल व्यक्तित्व के धनी हैं बोमन देसाई। ही इज द ऑथर ऑफ 4 नॉवेल्स। द मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स वॉज पब्लिश इन 1988, एसएलएम यूएसए 2002, अ वुमन मैडली इन लव 2003 एंड ट्रियो। दीज आर हिज फेमस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल इज अ पैसेज फ्रॉम हिज फर्स्ट नॉवेल द मेमोरी ऑफ द एलिफेंट्स। उनका एक नॉवेल है द मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स, इसी से लिया गया एक पैसेज है बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल। द नॉवेल बिगिंस विद द अराइवल ऑफ द पारसीज इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी एंड फोकसेस ऑन 3 जनरेशंस ऑफ पारसी फैमिली इन 20th सेंचुरी इंडिया। पारसी जो तकरीबन भारत के नागरिक है और भारत की संप्रभुता में, भारत की प्रगति में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, वो जमशेद जी टाटा फैमिली हो या बोमन ईरानी हो या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के प्रगति में अपने आप को झकझोर दिया है और भारत की प्रगति में अपना रोल, अहम भूमिका को सिद्ध भी किया है। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी BC वगैरह में पारसीज इंडिया में आए एंड हेजिटेंटली वेलकम्ड बाय लोकल हिंदू रूलर गुजरात ऑफ गुजरात जदीराना। जदीराना ने 8वीं शताब्दी में आए भारतीय नागरिक बनने की इच्छा से आए पारसी समूह के लोगों का वेलकम किया भारत में
और उन्हें यहाँ कुछ कंडीशंस के साथ रहने की इजाज़त दे दी, पर एक सिंपल सी बात उनसे कही थी कि वी आर रेडी टू बी द मिल्क, हम दूध बनने के लिए तैयार है। आर यू रेडी टू बी द शुगर, क्या आप शुगर बनने के लिए, शक्कर बनने के लिए तैयार है। बस इतने सी बात की हामी भर दी गई और पारसीज बिकेम द इंडियंस एंड द पार्ट ऑफ इंडिया फॉर एवर। द मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स, द नैरेटर होमी सर्वेई इज अ यंग स्टूडेंट इन अमेरिका। द हीरोइन ऑफ द एपिसोड इज हिज ग्रैंड मदर एंड द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस अटैच टू द रिलीजियस प्लेसेस। कहानी बहुत सेंसिटिव है, इम्पॉर्टेंट है। नैरेटर है होमी सर्वेई, एक स्टूडेंट है अमेरिका में पढ़ने वाले, पर इस कहानी की मुख्य जो हीरोइन है वो उनकी ग्रैंड मदर है। धार्मिक जगह के इम्पोर्टेंस के बारे में ये कहानी बहुत कुछ अहम बातें हमारे सामने रखेगी। जब दुनिया और देश एक क्राइसिस के अलग दौर से गुजर रहा है तो बोमन देसाई क्या कहना चाहते हैं ये बात समझना समय के अनुसार समय की मांग भी है। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ माइनर इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना विच कुड हैव फ्लेयर्ड अप इनटू वायलेंस, जो भड़क कर एक बड़े झगड़े में या बड़े अलगाव में बदल सकती थी। वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हो सकता था कि इस घटना को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो शायद बड़े बवाल का रूप ये घटना ले लेती थी। इवेंचुअली इट इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु हैपन्स टू बी वुमेन who has to impartially handle the problem and smooth ruffled feathers. बिखरे हुए पंखों को इकट्ठा करने की, उलझे हुए मसलों को आपस में सुलह करने की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर आती है जो चेयरमैन ऑफ द सैनिटेशन कमिटी है, और इस मसले को वो किस तरह से सॉल्व करती है इसी का वर्णन बोमन देसाई इस कहानी में करते हैं। बानू वॉज द चेयरमैन ऑफ द सैनिटेशन कमिटी and she had a settle to dispute between the Hindus and Muslims about the placement of dustbin. Kissa sirf dustbin ka tha, ki kachra jahan phekna hai us dustbin ko rakhna kahan par hai, aur Muslim aur Hindu mein vivad hone ki sambhavna thi. The Hindu said that it was too close to the temple. Hindu ka ye kehna tha ki dustbin mandir ke bahut nazdeek hai, and the Muslim said that it was too close to their mosque. और मुस्लिम समूह का कहना था कि ये मस्जिद के बहुत नज़दीक है। तो मसला बढ़ते गया। द कलेक्टर हैड वॉर्न्ड बानू दैट ब्लड शेड माइट रिजल्ट। कलेक्टर ने पहले ही बानू को हिदायत दी थी, जो चेयरमैन ऑफ द सैनिटेशन कमेटी थी, कि इसमें रक्तपात हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। इफ़ शी वेयर नॉट केयरफुल, अगर उन्होंने बराबर सेंसिटिव इशू को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया तो। बट बानू सेड दैट शी वॉज द चेयरमैन एंड शी वुड फिक्स द डे टू एग्जामिन द डिस्प्यूटेड प्लेस। पर बानू ने फैसला किया कि वो चेयरमैन है सैनिटेशन कमेटी की, और वो खुद तय करेगी कि उस जगह का जाकर मुआयना करेगी और क्या वजह है झगड़े की पता लगाने की कोशिश करेगी। बानू गॉट ओल्डर एंड रिलाइड ऑन डुबरी पेमी फॉर स्वीपिंग द फ्लोर। अब बानू उम्र हो चली थी, बूढ़ी हो चली थी, इसलिए डुबरी पेमी के ऊपर वो आश्रित थी अपने बहुत सारे कामों के लिए। द सन वुड बी राइजिंग एज बानू सेड हर कुश्ती प्रेयर्स। बानू पारसी महिला है, विवाद है हिंदू और मुस्लिम का, मध्यस्थी कर रही है पारसी महिला, और सुबह का समय, अपने काम शुरू होने के पहले बानू ने कुश्ती प्रेयर्स कर ली। एवरी पारसी जो ज़ोरास्ट्रियंस वेयर सुद्रे एंड सैक्रेड गारमेंट एंड बेल्ट लाइक कुश्ती। द अनटाइंग एंड रीटाइंग ऑफ द कुश्ती अकम्पनीड बाय द कुश्ती प्रेयर्स। एक प्रकार का बेल्ट है जो पारसी पहनते हैं, और जब भी इसे बांधना या खोलना होता है उस समय कुछ प्रेयर कही जाती है, उसी को कुश्ती प्रेयर्स कहते हैं। दैट डे शी डीड एक्स्ट्रा प्रेयर्स। उस दिन बानू ने अलग से ज़्यादा की प्रार्थना की थी। एज एंटिसिपेटेड सम अनप्लीजेंट इंसिडेंट। बानू को लग रहा था कि कोई अनहोनी घटना हो सकती है। शी कंप्लीटेड हर ब्रेकफास्ट लिसनिंग मर्फी रेडियो। रेडियो सुनते सुनते बानू ने अपना ब्रेकफास्ट उस दिन कंप्लीट किया।
She returned the car sent by the collector to pick up her and went walking with other two members to help in riot. Collector sahab ne car to bheji thi Banu ko lene ke liye, par Banu ne car ko lota diya aur apne kuch saathiyon ke saath, jo danga bhadakne ki surat mein unke saath madadgar sabit ho sakte the, unke saath Banu paidal hi ghar se nikli. On the way, student met her. रास्ते में कुछ छात्र उन्हें मिल गए एंड आस्क अबाउट हर. फिर बानो ने उनके बारे में पूछ ही लिया. देयर वेर हिंदू एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स. उन बच्चों में, उन छात्राओं में कुछ मुस्लिम बच्चे भी थे और कुछ हिंदू भी थे. अमंग द ग्रुप्स एंड देयर फोर शी सेड नथिंग एंड स्माइल्ड. किस समस्या के लिए बानो घर से निकली थी, कौन सा विवाद सुलझाने के लिए जा रही थी, जब उन्हें पता चला कि छात्रों के इस संघ में हिंदू और मुस्लिम दोनों विद्यार्थी हैं, तो बानो ने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्माइल दिया, मुस्कुरा दी. शी रिमेम्बर्ड गांधी साल्ट मार्च. बानो को गांधी जी का नमक सत्याग्रह याद था, ड्यूरिंग विच हिंदूज एंड मुसलमान्स ऑफ बोथ जेंडर्स एंड ऑल कास्ट एंड एजेस हैड यूनाइटेड इन शो ऑफ सॉलिडेरिटी अगेंस्ट द इंग्लिश. अंग्रेजी शासन के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम, मुसलमानों ने और सभी वर्ग के लोगों ने किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, ये बात बानो अच्छी तरह से जानती है नमक सत्याग्रह के माध्यम से. शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हर. बानो ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन विद्यार्थियों को कहा कि चलो हमारे साथ. द स्टूडेंट्स फॉलोड हर. सभी स्टूडेंट बानो को जानते थे. उन्हें जैसे ही बानो ने इशारा किया साथ चलने का, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट उनके साथ चल दिए. As they walked, more people joined them. बानो के साथ जैसे जैसे लोग जा रहे थे, जुड़ते गए, वैसे वैसे बहुत सारे लोग और जुड़ते गए. And women went to Mota Bazaar, two men, chanawalas and hawkers, begging children, street animals, an acrobat, all joined if they were on picnic. सारे चनावाला से लेकर बाजार में काम करने वाले हॉकर्स थे, भीख मांगने वाले बच्चे थे और जितने लोग थे, स्ट्रीट एनिमल्स, जितने उनके साथ हो सकते थे, सभी उनके साथ चले जा रहे थे जैसे कोई पिकनिक पर जा रहा हो. बानो ने बताया नहीं था अभी तक कि कहाँ जाना है. द पॉपुलिस्ट वॉज ऑलवेज मोर इफेक्टिव दैन द एरिस्टोक्रेटिक अप्रोच. कलेक्टर साहब चाहते थे कि कार से चला जाए, पर बानो ने इस बात से इनकार किया था. अब लोगों के साथ बानो जा रही है. बानो लोगों के साथ चलने का तात्पर्य समझती थी. कलेक्टर आल्सो जॉइन बानो. फिर कलेक्टर साहब के जैसे ही समझ में आया, वो भी बानो के साथ पैदल चल दिए. शी वॉज लीडिंग परेड थ्रू द क्राउडेड एंड डस्टी रोड्स. धूल भरे रास्ते, भीड़ से भरे रास्तों को पार करते हुए बानो अपना मोर्चा लेके आगे आगे जा रही थी. When they got to a rubbish bin, जिस अदनी सी डस्टबिन के लिए झगड़ा हो रहा था, उस कचरे के ढेर के पास पहुंच गए. The Hindu and Muslim spokesmen and their followers stared with their mouths open, not just at the crowd, but because the chairman was a woman. इतनी सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई. फिर मुस्लिम और हिंदू दोनों के पक्ष में बोलने वाले जो लोग थे, अपने अपने सपोर्टर्स के साथ आए थे वहां पर, उन्होंने घूरना शुरू किया. इतनी भीड़ थी, भीड़ को नहीं बल्कि इस भीड़ का नेतृत्व एक महिला कर रही थी. चेयरमैन वॉज ए वुमन. उसे उन्होंने घूरना शुरू कर दिया. दे वर सरप्राइज टू फाइंड अ वुमन एज अ चेयरमैन ऑफ सैनिटेशन कमिटी. सैनिटेशन कमिटी की चेयरमैन एक महिला है, ये देखकर दोनों पक्ष आश्चर्यचकित हो गए. बानो गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट. बानो ने बिल्कुल आड़े टेढ़े रास्ते नहीं ले, सीधे अपने मुद्दे की बात की. दे हैव गॉट टू फाइंड आउट द प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल. बानो ने सीधी बात की. हम मस्जिद और मंदिर दोनों के एकदम सेंटर की, मध्य की जगह देखेंगे, बोले. शी आस्क्ड बोथ टू वॉक विथ हर फ्रॉम द मॉस्क एंड द टेम्पल एंड काउंट माई फुटस्टेप्स. फिर बानो ने मंदिर की तरफ से चलना शुरू किया और मस्जिद की तरफ से चलना शुरू किया. टेम्पल एंड काउंट माई फुटस्टेप्स. और पैरों को गिनते चली गई. हिंदू एंड मुस्लिम्स एग्रीड ग्रजिंगली. ठीक है, बोले.
शर्त रखी बानो ने, मस्जिद की तरफ से उतने ही कदम चलते हैं और मंदिर की तरफ से उतने ही, आप लगे तो मेरे साथ गिनिए। दोनों पक्ष आनाकानी करते हुए इस बात के लिए राजी हो गए। द हिंदू वॉक्ड विद बानो। हिंदू अब बानो के साथ चलने लगे, काउंटिंग लाउडली इन सिंग सॉन्ग वॉइस एज इफ दे वर लर्निंग नंबर्स इन स्कूल। एक दो तीन चार ऐसे कदम बानो के गिनते गए जैसे प्राइमरी स्कूल में सभी लोग पहाड़ सीख रहे थे। द क्राउड काउंटेड अलोंग जस्ट टू ऑड ऑन थंडर टू प्रोसीडिंग्स। सारी भीड़ भी इन कदमों को गिनती चली गई। दे काउंट एग्जैक्टली 232 स्टेप्स। सभी लोगों ने मिलकर 232 कदमों को गिना। टू द टेम्पल बानो आज द हाफ 232, इट वॉज 116। और बानो ने 232 का आधा कितना होता है ऐसा पूछा। लोगों ने एक आवाज में जवाब दिया कि 116 होते हैं। अब 116 का आंकड़ा बानो ने लोगों को समझाया। She asked them to count with her again as she walked back to the mosque. फिर मॉस्क के पास वो चली गई एंड स्टॉप एट 116 और 116 कदमों पर रुक गई। This is the middle point, she said. 116 कदम मस्जिद से दूर और 116 कदम मंदिर से दूर, यही एक मध्य बिंदु बानो ने ढूंढ कर निकाला था। It meant moving the beam closer to the temple and farther from the mosque. अब इसका मतलब यह होता था कि जो डस्टबिन था उसे टेंपल के नजदीक और फादर फ्रॉम मास्क मॉस से थोड़ा दूर ले जाया जाए। बानो फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज शी फेल्ट द हिंदूज वुड गिव इन मोर इजीली देन द मुस्लिम्स। दोनों पक्ष शायद आसानी से मान लेते, हिंदू शायद मान ही लेते, मुस्लिम पक्ष के बारे में बानो को थोड़ा शक था। The Hindus and Muslims thanked her and said that it was a wise decision. पर दोनों पक्षों ने इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों ने कबूल किया कि ये फैसला बहुत ही सुंदर फैसला था कि मंदिर और मस्जिद के बीच में डस्टबिन के लिए झगड़ा होने के बजाय दोनों के पास से इक्वल डिस्टेंस गिना जाए और एक मध्य बिंदु पर लाकर डस्टबिन को रख दिया जाए। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता था। Between the mosque and temple is a great story of a religious understanding. दोनों पक्षों ने आपसी सूझबूझ का परिचय दिया। It describes the conflict and understanding after those conflicts between the two religious parties. दोनों पक्ष आपस में न जाने कितनी बार आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, पर नुकसान देश का होता है, इसलिए समझदारी की बात दोनों पक्षों ने की और होने वाले नुकसान को भी टाल दिया। द प्रॉब्लम ऑफ टू रिलीजियस पार्टीज वॉज सॉल्व बाई द पर्सन फ्रॉम द थर्ड रिलीजन। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि दो धर्मों के बीच का विवाद किसी तीसरे धर्म के व्यक्ति ने, जो बानो थी वो तो पारसी धर्म से बिलोंग करती थी, उन्होंने बहुत आसानी से अपने कर्तव्य का वहन किया और बहुत आसानी से इस विवाद को सुलझा दिया। As Banu said that, Banu आखिर में कहती है, I solved problem because I am a Parsi, not Hindu or Muslim. शायद मैंने इस समस्या का सुझाव दिया है और सुलझा लिया है क्योंकि मैं ना तो हिंदू थी और ना ही मुस्लिम, मैं पारसी थी। And more than that, I am a woman. और इससे ज़्यादा एक अलग बात थी कि एक मैं महिला हूँ, एक स्त्री हूँ, इसलिए मैंने इस समस्या का आसानी से हल ढूँढ लिया। शायद इसी तस्वीर का देश इंतज़ार कर रहा है। भारत जिस दिन इस तस्वीर जैसा हो जाएगा, समझ लेना कि हमने इसी सुवर्ण मध्य को साध लिया है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर बेटर फ्यूचर एंड अ ग्रेट नेशन अहेड। थैंक यू वेरी मच।